अरे ये बड़े काम की चीज है, बड़े काम की। इसके दाम लगते हैं, दाम। इसके दाम? हाँ, कितने? पूरे 5 रुपए। 5 रुपए? हाँ। इसके? हाँ। पैसे के लालच ने तेरे दिमाग के टायर को पंक्चर कर दिया है और अंदर जाकल की हवा निकाल दी है। अरे मूर्ख, क्या करेगा पैसा कमा के? पैसा किसके काम आया है जो तेरे काम आएगा? अरे अकबर बादशाह खाली हाथ आया था, खाली हाथ गया। सिकंदर जैसा बादशाह खाली हाथ दुनिया में आया था, खाली हाथ गया। कारून जैसा बड़ा बादशाह खाली हाथ आया था, खाली हाथ गया। इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा है कि सारी उम्र कमा दी कमाने में पैसा, और बाद में यही साला पैसा बन गया अपने दुश्मन जैसा। ये जब आता है तो साथ में टेंशन भी लेकर आता है। इंसान के सर के बाल निकल जाते हैं, इंसान गंजा हो जाता है, फिर याशी में पड़ जाता है, कोठे पर जाता है, शराब पीता है, तवायफों के चक्कर में लग जाता है, उसके बाद उसको बीमारियां लग जाती है और रेड़ियां रगड़ के मर जाता है, और उसके मरने के बाद उसी पैसे के लिए उसके घर वाले एक दूसरे का खून कर देते हैं, गोलियां चलाते हैं, चाकू चलाते हैं, तलवार चलाते हैं और खून बहाना शुरू कर देते हैं। क्या तू चाहता है तेरे मरने के बाद तेरे खानदान वाले एक दूसरे का खून बहाए? नहीं नहीं भाई, मैं अपने घर में खून खराबा बिल्कुल नहीं चाहता। इसलिए अपने दिल से पैसे का ख्याल निकाल दे और ये 2 टुकड़े मेरी झोली में डाल दे। अरे मेरे बाप, अरे तू ले जा ये 2 टुकड़े, मुझे दाम नहीं चाहिए, मुझे दाम नहीं चाहिए। पहले बोलना था ना यार, खामखाम मदारी तो नहीं बनना पड़ता था। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया हो। जूते के नीचे लगाना ठीक रहेगा, जूता बहुत मजबूत रहेगा और बहुत सालों तक चलेगा। हो बस अनसोल लगवाने को आए, तुम्हारे जूते किधर हो? अरे आधा काम मैंने कर दिया, आधा तुम कर दो। क्या मतलब? जूते की जमीन मैंने ला कर दी, अब जूते का मकान तुम बना दो। जमीन का मकान तो मैं बनाऊंगा, लेकिन पैसे लगेंगे। हो पैसे? हाँ, जूता बना के देता ही है, मैं फिर से मदारी बन जाऊं। अरे मेरे बाप, फिर से तो मदारी मत बन, फिर से मदारी मत बन, मैं तुझे समझाता हूँ। इसे जाने दे, इसे जाने दे। चलो किसी के दिल में तो मेरी बात उतरी, इसको बता के मदारी बनने में क्या नुकसान है, तब तक मैं जरा नजरों का राउंड मार के आता हूँ। अरे मैं तेरे को समझाता हूँ। सारे लोग आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सबके लिए होटल बुक करें। ओके सर। रोहित, रोहित बेटा। ए रुको रुको, कौन हो तुम, कहाँ घुस रहे? मुझे साहब से मिलना है। तुम्हें और छोटे सरकार से मिलना है? बहुत जरूरी काम है। अंदर मीटिंग चलिए, 2 घंटे बाद आना। 2 घंटे बाद? 2 घंटे बाद। आप लोग ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी कंपनी खेतान इंडिया लिमिटेड हर किस्म का फैन बनाती है, और उसकी खास बात यह है कि हम उसकी अच्छी क्वालिटी के साथ साथ उसकी प्राइस भी रिजनेबल रखते हैं। यही वजह है कि आज इंडिया में हमारी सेल इतनी जबरदस्त है। आज की ये मीटिंग रखने का खास मकसद यह है कि हमें अपनी क्वालिटी को इसी तरह बरकरार रखना है, ताकि हम सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी हर कंपनी के साथ कंपीट कर सकें। And thank you very much. सलाम साहब। हाँ सलाम। रोहित, रोहित बेटे, अरे कहाँ हो तुम? कैसे हो? कौन? माफ कीजिएगा, मेरा नाम अमर है। कौन है ये? मैं जानता हूँ बेटा, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? तुम शायद अपनी चमक दमक की दुनिया वालों को अपने माजी के बारे में नहीं बताना चाहते। मत बताओ, लेकिन एक बार चलकर सीमा को देख लो। कौन सीमा? तुम सीमा को नहीं जानते? जो लड़की तुम्हें दिलो जान से प्यार करती है, जो तुम्हें सिर्फ एक नजर देखने के लिए जिंदा है, तुम्हारी मौत की खबर सुनने के बाद जो ना ठीक से जी पा रही है न मर पा रही है, तुम उस सीमा को नहीं पहचानते? हर बाप का एक अरमान होता है कि वो अपनी बेटी का बसा हुआ घर देखे। अगर इस बाप का अरमान है कि वो अपनी बेटी को सिर्फ जिंदा देखे, एक बार उसे चलकर देख लो, शायद जी जाए, शायद 1.5 साल से बंद उसकी जबान फिर से बोल पड़े। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? देखिए आपको कोई गलतफहमी हुई है, मेरा नाम रोहित नहीं, अमर है। मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, और ना मैं आपको जानता हूँ और ना ही मैंने किसी लड़की से कभी इश्क किया। दीपक। यस सर। एक काम करो, उनकी बेटी के इलाज के लिए कुछ। ओके कम ऑन फ्रेंड्स।
सुनो बेटा, तुमने सही कहा था, मैं वाकई धोखा खा गया हूं। तुम रोहित नहीं हो, और उसका सबूत है ये नोट। अगर तुम रोहित होते तो मेरे हाथ में ऐसे भीख के नोट नहीं थमाते। इसे रख लो बेटा, दुकान तुम्हें और दे। मेरी बीमार बेटी के दुख ने मेरी हालत बना दी है कि लोग मुझे भिखारी समझने लगे हैं। तुम्हें देखकर ऐसे लगा कि जैसे रोहित जिंदा है, और शायद तुम्हें देखकर मेरी बेटी जी जाए। माफ करना बेटा, तुम्हारा समय बहुत बर्बाद किया। मालिक तुमको और दौलत दे, और तरक्की करो बेटा। सुनिए, कौन से अस्पताल में है आपकी बेटी? बेटी, ए बेटी, अरे कुछ तो बोल। ये देख, तुझसे मिले कौन आया है? ए, रोहित आया बेटी, रोहित आया। इसे जी भर के रो लेने दीजिए, इस सदमे का इससे अच्छा कोई इलाज नहीं है। सीमा, सीमा बेटी, बेटी, डॉक्टर साहब। यस नर्स, क्या? प्लीज डोंट वरी, मारे खुशी के बेहोश हो गई है, थोड़ी देर में से होश आ जाएगा, तब तक आप लोग जरा। ओह या श्योर नर्स। बेटे, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ। मैं हैरान इसलिए हूँ कि आपने मुझे रोहित कहकर पुकारा, आपकी बेटी ने भी मुझे रोहित कहकर पुकारा, ये सब क्या चक्कर है? मैं समझाता हूँ, ये देखो। इस लॉकेट में मेरी तस्वीर कैसे? ये तुम्हारी तस्वीर नहीं है, ये रोहित की तस्वीर है। बड़ा नेक और शरीफ लड़का था रोहित। सीमा और रोहित बहुत प्यार करते थे एक दूसरे को, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तकदीर ने मेरी बेटी के भाग में लाल जोड़ा और हाथों की मेहंदी तो लिख दी थी, लेकिन सुहागन उन्होंने नहीं लिखा था। रोहित शादी के लिए अपने मां बाप को लाने गया, वो तो नहीं आया, उसकी मौत की खबर आ गई। सैड, वेरी सैड। रिलैक्स रिलैक्स मिस्टर जगमोहन, आपकी बेटी को होश आ गया है, अगर आप चाहें तो उससे मिल सकते हैं। वेट अ मिनट, लेट मी सी, कम। सीमा, रोहित, रोहित, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? पता पता है लोग कैसी कैसी बातें करते थे कि तुम, कि तुम, लेकिन मेरा दिल हमेशा यही कहता था कि तुम जिंदा हो। पता है क्यों? क्योंकि मैं जिंदा हूं। तुमने ऐसा मजाक क्यों किया रोहित? क्यों किया तुमने ऐसा मजाक? I'm sorry सीमा, don't cry। दरअसल मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था, मैं देखना चाह रहा था कि तुम मेरे बगैर जी सकोगी या मुझे खूबसूरत सपना समझकर भूल जाओगे। मगर तुम अपने इम्तिहान में फर्स्ट क्लास फर्स्ट पास हुई, और अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा और तुम्हारे साथ वैसे ही पेश आऊंगा पहले की तरह। पहले? बिल्कुल इसी तरह। तुम्हें याद है हमारे घर के सामने तुम्हारा एनसीसी कैंप हुआ करता था, और कैसे तुम मुझे रोज चीरा करते थे। अर्ज किया है। इशार, इशार। शुक्रिया।
शिकार उसने किया, शिकार उसने किया, वाह वाह, शिकार उसने किया, दिल को तार तार किया, वाह वाह, क्या बात है, शिकार उसने किया, दिल को तार तार किया, बुरा किया अनवर जो किसी लड़की से प्यार किया, जिएंगे साथ साथ मरने की कसमें खाई थी, जिएंगे साथ साथ मरने की कसमें खाई थी, यही समझ कर तो अनवर ने एतबार किया, शुक्रिया 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 शुक्रिया, अमर रोहित मियां, इन खेलने खाने के दिनों में ये आंसुओं की धारा क्यों? क्या बताऊं अनवर, मैं भी तेरी तरह इश्क में पड़ गया हूं रे। माशाल्लाह माशाल्लाह, लेकिन मेरे इश्क की दुकान तेरी मदद के बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। अनवर, मैंने सुना है कि लड़कियों पर लव लेटर का बहुत भारी असर होता है, खासतौर पर जब वो उर्दू में लिखा हो। मैं कुछ समझा नहीं रोहित मियां, उर्दू की मिठास लड़कियों के दिलों को चीर देती है अनवर। शुक्रिया शुक्रिया। अनवर, तुझे मालूम नहीं तू क्या चीज है, तू जिस कागज को हाथ में पकड़ता है ना, वो अपने आप को खुशकिस्मत समझता है कि अनवर मुझे काला कर रहा है। शुक्रिया शुक्रिया। तू जिस कलम को उठाता है वो अपने आप पर नाश करती है कि मैं अनवर की उंगलियों में खेल रही हूँ। शुक्रिया शुक्रिया। अरे तू जिस स्याही से लिखता है ना, तेरे ख्यालात पे कुर्बान होने के लिए स्याही की बोतल अपना मुंह फाड़े बैठी रहती है। शुक्रिया शुक्रिया। अनवर, ख्यालात तेरे, खतरा, उठा कलम। उठाता हूँ, लिख लिखता हूँ। डैडी, ये आप क्या कर रहे हैं? गाड़ी साफ कर रहा हूँ। डैडी, ये गाड़ी लोहे की बनी हुई है, कोई कागज या मोम की नहीं, जो आप इसको इतना आहिस्ता आहिस्ता साफ कर रहे हो। मालूम है मुझे कि ये लोहे की गाड़ी है, आता ना जोर से घसूंगा तो इसका पेंट नहीं निकल जाएगा, और तू गैरेज वालों को नहीं जानती है, पेंट का नाम ले तो इंजन बाहर से खोल देते हैं। कसम से, अगर कभी कंजूसी का कंपटीशन हुआ ना तो आपको गोल्ड मेडल मिलेगा, गोल्ड मेडल। तो मेरी कंजूसी से घर में गोल्ड मेडल आएगा ना, कुछ जाएगा तो नहीं, चल। डैडी, खुद के बाल नोचे, मेरे बाल नोचेगी। हम का नहीं हमें बैठाई के बैगन वहावे चल जाए, हम का नहीं हमें बैठाई के बैगन वहावे चल जाए। तेरा बैल है अरिया सरिया, मुरा बैल है तेज, हमरे बैल पे हो के सवार हो भैया, चल बैगन के खेत, हम का नहीं हमें बैठाई के। अबे कहां अंदर घुसा जा रहा है, हट जा सामने से, हम नौकरों के मुंह नहीं लगते। नौकर? अबे मैं तुझे नौकर लगता हूँ? तो खुद को साहूकार समझते हो क्या? है? अंदर मालकिन ने दूध लाने के लिए कहाँ पहुँचाने जा रहे हैं? बार बार रोक रहे हो, रिश्वत में दूध चाहिए क्या? अगर हम तो अंदर जाएंगे तो हमको रिश्वत में दूध पिलाएगा क्या? अरे तुम तो हमारे तरफ की भाषा बोल रहे हो, कौन जिला पड़ता है? घौसी। घौसी? तब तो तुम हो हमारे पड़ोसी, हम हंडिया के हैं। ये सब हम बाद में करेंगे। अच्छा एक बात बताओ मालिक काका। मालिक काका? चलो माली ही सही। मालिक है? नहीं, बाहर गए घूमने। बेटी होगी? अंदर है। एक बात बोले सच्ची? है? बहुत कमाल की चीज है, है? फिगरवा देखा है? फिगरवा समझते हो कि नहीं? कमाल का फिगरवा है, उसको जब भी देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इसको उठा के यहाँ से ले जाए और गांव में ले जाकर जाने में उसके साथ प्यार अच्छा है। अरे, हाँ? अरे तुम उसके बाप के बराबर हो, तुम क्या करोगे, वो हमारा डिपार्टमेंट है, ये क्या भरतनाट्यम कर रहे हो? अरे एक मामूली दूध वाला होकर इतनी लंबी जबान। अरे तुम हमारे सामने जब इतना ओपन हो ही गए तो हम भी टोटल ओपन हो जाते हैं। नहीं, अरे हम दूध वाला नहीं हूँ भाई, ये देखो हम उस लड़की का आशिक हूँ। अरे बहुत दिनों से ससुरी को पटाने की कोशिश कर रहे हैं, साली हाथ ही नहीं आ रही, सोचा आज जाके इसको चिट्ठी दे दे, गांव खेड़े के आदमी हमारा इतना काम तो कर ही दो, उसकी चिट्ठी पहुंचा दो यार। पहुंचाए दे तो अब देखो हम किसको कहां पहुंचाते हैं। डैडी डैडी, ये तुमको डैडी डैडी कैसे बोल रही है? ये हमारी बिटिया है। क्या बात कर रहे हो, तुम्हारी बिटिया है? तो पहले बोलना चाहिए ना, इतनी देर से बतिया कह रहे हो। अरे बताना चाहिए ना घर में कौन बिटिया है, कौन भाई है, कौन नौकर है, ये भाई साहब कौन है? उस इडियट की हिम्मत कैसी हुई गुस्से की? और ये क्या है? ये वो मैं छोड़ूंगी नहीं। बेटी तू खाम खा नाराज हो रही है, दरअसल मैंने भी है ना तेरी माँ को बिल्कुल ऐसे ही है। क्या? हाँ हाँ, मगर मैं तो खाली हाथ गया था और ये उल्लू का पट्टा पूरा दूध भर के दे गए रे। क्या वो? मैं समझा था दुनिया में मैं ही 420 हूँ, ये लुच्चा तो 840 निकला।